आपके साथ प्रीति सिंह। दिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे, सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट डालकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं जिससे लगता है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, जैसे अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। वो किसी को गीदड़ बता रहे हैं तो किसी को बुजदिल सवाल है, और जबकि खुद को दिलेर बता रहे हैं। सवाल है कि दिशान सिद्दीकी किस बात का इशारा कर रहे हैं। जिस दिन से बाबा सिद्दीकी के बेटे दिशान सिद्दीकी के सिर से साया उठा, उस दिन से दिशान सिद्दीकी गम में डूबे हैं। उस दिन हुई घटना की एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने से गुजर रही है। हर पल वो उस दिन को कोस रहे हैं जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे दिशान सिद्दीकी के दफ्तर से बाहर निकले थे और उन पर हमला हुआ था। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से पहली बार उनके बेटे दिशान ने बड़ा बयान दिया है और इशारों में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बुजदिल डराया करते हैं, अक्सर दिलेर को धोखे से मार देते हैं, गीदड़ भी शेर को। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर ये भी कहा कि उन्होंने मेरे पिता को चुप करा दिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ को अपने भीतर रखता हूँ, उनकी लड़ाई को अपनी रगों में रखता हूँ। वो न्याय के लिए खड़े रहे, बदलाव के लिए लड़े और अटूट साहस के साथ तूफानों का सामना किया। अब इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई दिशान सिद्दीकी को हत्यारों के मकसद के बारे में पता था, क्या दिशान को इस बारे में जानकारी थी कि कौन उनके पिता का दुश्मन है। क्या बाबा सिद्दीकी के बेटे दिशान सिद्दीकी को अपने पिता की हत्या के पीछे का असली मकसद पता है? क्या हत्या की आशंका के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस से कोई मदद मांगी थी? यही नहीं, उन्होंने हत्यारों पर अपना गुस्सा और भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आज मैं वहीं खड़ा हूं जहां वो खड़े थे, जीवित, अथक और तैयार। मैं हमेशा बांद्रा ईस्ट के लोगों के साथ हूं। पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के सिलसिले में आज भी नवी मुंबई के बेलापुर से एक और आरोपी को धर दबोचा है, यानी अब तक इस मामले में 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की देर शाम को बांद्रा में बेटे दिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में ही आशंका थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक मकसद सलमान खान और पूरे मुंबई और माया नगरी में दहशत पैदा करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की नई धमकी से 8 दिन पहले मुंबई में सरेआम लॉरेंस विश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। पूरे देश में इस हत्याकांड से सनसनी फैली।